अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानेंगे अवतल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग एक अवतल लेंस बनाएंगे, और अवतल लेंस में आप जानते हैं कि वस्तु को हम चाहे जहां पे रख दें, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह एक ही स्थानों पर बनेगा। यहां जैसे देखिए, ये हमारा दूसरा फोकस है F2, ये है C2। अवतल लेंस का द्वितीय वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस सब लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, और इसका जो प्रथम होता है वो दाहिने ओर। अब यहां देखिए, वस्तु को आप चाहे यहां पर रख दीजिए अनंत पे, चाहे यहां पर रख दीजिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, चाहे यहां पर रख दीजिए, चाहे यहां पर रख दीजिए, चाहे यहां पर रख दीजिए और चाहे यहां पर रख दीजिए, प्रतिबिंब हमारा हमेशा यहीं पे बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा। वस्तु को छह स्थानों पर हम रख दें अवतल लेंस में, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक ही स्थान पे बनेगा, वो बनेगा द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा। अब इसमें जैसे हम पूछ ले कि यदि अगर ये प्रतिबिंब वस्तु छोटा है तो आवर्धन क्षमता एक से कम होगी, आवर्धन क्षमता यहां पे धनात्मक होगी। अगर ये पूछ ले यदि वस्तु की आवर्धन क्षमता या प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता धनात्मक हो और एक से कम हो, धनात्मक हो और एक से कम हो, तो बताइए कौन सा लेंस होगा और वह वस्तु कहां पर स्थित होगा। तो वस्तु की स्थितियां छह हैं, कहीं भी स्थित कर सकते हैं, प्रतिबिंब इसमें केवल एक ही स्थान पे बनेगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसका वस्तु, प्रतिबिंब और दूसरा फोकस सब लेंस के बाईं ओर हैं, इसलिए इनके चिन्ह निगेटिव होंगे, लेकिन यम के चिन्ह पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव इसलिए होंगे क्योंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो अगर हम प्रकाशिक केंद्र से किसी एक वस्तु की दूरी ले ले तो U से, और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में। दूसरी चीज, प्रकाशिक केंद्र से यहाँ जो प्रतिबिंब है इसकी दूरी क्या लेंगे, माइनस बी, और इसका चिन्ह माइनस में रखेंगे। प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी के द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका जो चिन्ह है वो लिख लेते हैं, पहला U, U क्या होता है अवतल लेंस में, V निगेटिव, V भी निगेटिव होता है, F भी निगेटिव होता है। I देखिए, वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो वस्तु की भी ऊंचाई पॉजिटिव और प्रतिबिंब की भी ऊंचाई पॉजिटिव, और ये दोनों जब पॉजिटिव मिल जाते हैं तो हमारा यम भी मिल जाता है पॉजिटिव। दूसरी चीज, इसमें यम की वैल्यू एक से कम होती है, तो ये इसका रहा चिन्ह कि लेंस में उसके जो चिन्ह होते हैं वो क्या क्या होते हैं अवतल लेंस में, यू निगेटिव, वी निगेटिव, एफ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, आई पॉजिटिव, एम पॉजिटिव, एम का मान एक से कम। राइट नाउ,